हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में जो है हम LG फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन की जो है अनबॉक्सिंग करेंगे। तो ये हमारा टॉप मॉडल है, तो कैसे आपने पैकेजिंग से निकालना है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो जब भी आपने इसको निकालना है, खोलना है, तो ऊपर से कवर उठाना होता है, नीचे जो है फोम वगैरह होती है मोस्टली भारी चीज़ों में। देखते हैं इसको कैसे उठाया जाता है। ये देखिए, बिल्कुल डायरेक्ट उठाना है और बड़ी सावधानी से इसको हैंडल भी करना होता है, उल्टा नहीं करना होता जैसे भी है। तो जस्ट पैकेज से निकाला हमने और ये देखिए बहुत ही प्यारी मशीन है ये। इन्वर्टर कंफर्टेबल कह सकते हैं, इन्वर्टर मोटर है इसमें। इन्वर्टर का मतलब ये है कि ये बिजली कंज्यूम कम करेगी, मतलब जैसे आपका इन्वर्टर वाला AC होता है, ठीक वही कंसेप्ट है। तो इसकी हम अनबॉक्सिंग कर रहे हैं। तो ये हम निकाल रहे हैं आपका, ये जो है कवर हमने निकाल दिया है। ये जो है इसके साथ हमें क्या क्या एक्सेसरी मिली है, तो ये देखिए तो बताओगे कि इसमें क्या क्या मिला है। ड्रेन वॉश जो है, ये आपका जो आपका पानी निकलता है वो इनलेट होस तो पाइप कह सकते हैं आप इनलेट के लिए। और ये नेट मेश नीचे लगा जाता है ताकि चूहे ना जाए। अच्छा, ये एरियल मैटिक सर्फ कंपनी ने फर्स्ट टाइम की डेमोन्स्ट्रेशन के लिए फ्री सैंपल कंपनी के साथ फ्री सैंपल दिया है कंपनी ने। और ये यूजर कैसे आपने यूज करना है, फर्स्ट टिप्स वगैरह। इसका वारंटी कार्ड है आपका, वारंटी कार्ड और यूजर मैनुअल पूरी तरह से डिटेल में होगा ये आपका। तो इसका एक रिंग होता है जो ड्रेन पाइप को हैंग करेगा। अच्छा, तो अब जो है इसकी हम फिटिंग करके देखेंगे। तो इसके साथ जो है फ्रेंड्स, आपको अलग से एसेसरीज लेनी पड़ती है, खासतौर पर ये स्टैंड जो है आपको 700 से 800 रुपये का मिल जाएगा। और ये देखते कैसे ये लगाएंगे, ये हर एक मशीन में लगता है क्या? हर एक मशीन नहीं, टॉप लोडिंग में हर एक मशीन में लगता है। अच्छा, तो पहली बार। तो ये देखिए कैसे ये लगा रहे हैं, ये हमने डाल दिया नीचे की तरफ ताकि हमारे जो चूहे हैं वो मशीन के अंदर ना जा सके। और अब जो है ये वेस्टेज पाइप जो है या ड्रेन पाइप जो है अपना कैसे आपने लॉक करना है, ये देखिए इसने लॉक कर दिया। अब जो है ये हम इनलेट पाइप लगाएंगे। तो ये देखिए कैसे आपने इसको लगाना है। तो पुराने वाला हटा देंगे हम और ये नया वाला लगा देंगे। चारों तरफ से आपको सिंपल स्क्रू ड्राइवर से खोलना है। और ये देखिए अब जो है जो हमारा नया आया, खोल रहे हैं। और ये देखिए कैसे आपने इसकी फिटिंग करनी है, ये आप इस वीडियो में देख सकते हैं। तो चारों नट को थोड़ा बहुत खोलना है, जो है इसको ये आपने जब भी इसको लगाना है तो सिंपल जो आपका टैप होता है उसी में लगेगा, जो फैंसी नलके होते हैं टैप होते हैं उनमें ये नहीं लगता है। क्योंकि ऊपर तक ले जाना है और फिर इसको आपने सिंपल स्क्रू से स्क्रू ड्राइवर की मदद से टाइट कर देना है। लीकेज तो नहीं, ये भी हम चेक करते हैं। फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन में जो है आपको हमेशा पानी के इनलेट से लगाना पड़ता है, और अगर आपके पास गर्म पानी का है तो वो भी लगेगा। ये कैसे आपने लगाना है वो देख लिया। और अब जो है इसको हमने कैसे इसमें करना है, अभी देखिए गर्म पानी के लिए कोई वो नहीं है क्या अलग से? नहीं, गर्म पानी आपको डालना है। अच्छा, इस मॉडल में जो है गर्म पानी का कोई कनेक्शन नहीं देता, खोलना पड़ेगा मेरे ख्याल से। इसमें ये इनलेट फिल्टर दिया होता है इसका। अच्छा, ये क्लीनिंग का तरीका बता रखा है कंपनी। अगर इसमें कोई भी टंकी में आपके डस्ट होगा वो यहाँ पे आके रुक जाएगा, इससे गंदा पानी मशीन में नहीं जाएगा। अच्छा, और एक अलग से आजकल आ रहा है हार्ड वाटर का जो है, ये भी फिल्टर होता है। अच्छा, इसको 15 डेज के बाद आपको क्लीन भी करना है। अच्छा, ये फिल्टर है, आपने कैसे एक स्विच से निकालना होता होगा। हाँ जी, ऐसे नहीं, इससे भी खींच सकते हैं, देखिए आराम से निकल जाएगा। और अब जो है ये हम वापिस जो हमारा इंजन पाइप का दूसरा कॉर्नर इसमें लगा रहे हैं। तो
बहुत ही सिंपल है इंस्टॉलेशन, जस्ट पाइप से जोड़ना है और उसका नीचे स्टैंड लगाना है और ये मशीन वैसे अब रेडी टू यूज है, चलाने के लिए तैयार है। और इस बार जो है एलजी वालों ने काफी फैंसी बना दी, काफी सुंदर बना दिया। हमारे पास पुराना मॉडल भी है तो उससे कई गुना बेहतर ये मॉडल है, दिखने में भी काफी सुंदर है। और यहाँ पर हम इसको पावर देंगे और अब चेक करते हैं कि ये कैसे थोड़ी बहुत हिल रही है लगता है। तो कैसे बैलेंसिंग कैसे करते हैं? ये बैलेंसिंग के लिए व्हील दिया हुआ है इसमें, इसको मूव करके तो ये बैलेंस करें नीचे से। इसकी प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए, हिलनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये बहुत तेजी से ड्रम घूमता है तो पूरी मशीन हिलती है। अब ये चेक करें कि सबसे पहले तो हम इसका फीचर्स आपको सबसे मेन बताएंगे, जो हमारा ये डोर है जो कि हाइड्रोलिक शॉकर डोर है, जो कि हमने यहाँ पर इसको छोड़ा तो उसके बाद ही अपने आप मूव करता है। जो आपका पहले सैंपल वॉशिंग मशीन था उसका डोर आपको हाथ से नीचे तक लेके आना पड़ता है, इसमें आपको वो कट गया। बहुत अच्छा ऑप्शन है कि हाइड्रोलिक अपने आप आता है, अपने आप ऑटोमेटिकली आएगा। स्मार्ट डायग्नोज का फंक्शन हमारा इसके अंदर काफी अच्छा है, जो कि हम लोग फोन से कनेक्टिविटी करके इसके फॉल्ट को डायग्नोज कर सकते हैं। ठीक है सर, उसके बाद हम जैसे हम पावर के बटन को प्रेस करते हैं तो बाय डिफॉल्ट फजी के फंक्शन सारे हमारी वॉशिंग मशीन में डिस्प्ले हो जाता है। बीपर का लेवल हाई रहेगा, ठीक है जी। वाटर लेवल हमारा सेंसिंग करने के बाद आएगा, जैसे हम प्रेस करेंगे वॉशिंग मशीन के स्टार्ट को वॉशिंग मशीन वर्किंग करना स्टार्ट करेगी। सबसे पहले सेंसिंग करेगी कपड़ों के वेट को, ये हमारा इंडिकेशन जो है ब्लिंक करना शुरू कर देगा, सेंसिंग वाला इंडिकेशन ब्लिंक करेगा और लाइटिंग ऊपर नीचे होना शुरू कर देगा। ये वाटर लेवल सेंस कर रहा है, जो इसके अंदर कपड़े होंगे उन कपड़ों का वेट सेंस करेगा। वेट सेंस करने के बाद इसके अंदर टाइमिंग आएगा, वो टाइमिंग जो होगा वॉशिंग मशीन की फिनिशिंग का टाइम होगा, वॉश रिंस एंड स्पिन का। तो इस तरह से मेरी मशीन काम कर रही है, देखिए आप क्लॉक एंटी क्लॉक सेंस करते हैं कि इसके अंदर कितना वेट है, उसके अकॉर्डिंग हमारा इसके अंदर टाइमिंग आएगा। सर एक्स्ट्रा प्रोग्रामिंग का जो फंक्शन दिया गया मेरा वो यहाँ से दिया गया, अगर हम इसको प्रेस करते हैं तो बाय डिफॉल्ट नॉर्मल पे आएगा हमारा। आपको चेंजेस करना है टर्बो वॉश, टर्बो वॉश में इसकी स्पीड बढ़ जाती है वॉशिंग की, क्विक वॉश के अंदर वो कपड़ा जो है पार्टी वियर जल्दी वॉशिंग के लिए 23 मिनट्स के अंदर आपको सारा कंप्लीट काम मिलेगा, वॉशिंग रिंसिंग एंड स्पिनिंग। ठीक है सर, स्ट्रॉन्ग जींस भारी जींस बेडशीट इनको क्लीन करने के लिए। सेकंड प्रोग्राम हमारे यहाँ से है नॉर्मल प्री वॉश, नॉर्मल प्री वॉश के अंदर सोपिंग मोड ज्यादा रखते हैं, भिगो के रखते हैं ज्यादा। एक्वा रिजर्व के अंदर आपकी वॉशिंग मशीन वॉश एंड जींस करती है, स्पिन नहीं करती है, मतलब धोएगी निचोड़ेगी सुखाएगी नहीं। ठीक है जी, ये फंक्शन सिर्फ फ्रंट लोड में आता था, जो सिर्फ हमारी एलजी कंपनी टॉप लोड में देती है। जेंटल वूल गर्म कपड़े साड़ी इनको वॉश करने के लिए, यह टब क्लीन का फंक्शन। टब क्लीन आपको महीने में दो बार करना होता है, इसके लिए एक डिस्केल पाउडर आता है जो आपको प्रोवाइड किया जाएगा, उससे पूरी टब की जो है क्लीनिंग हो जाती है। जो सर्विसिंग का इशू आता है हमारा 6 महीने साल बाद हम लोग करवाते हैं, जिसके ऊपर हमें 1100-1200 या 2000 रुपए खर्च करना पड़ता था, वो सिर्फ 150 रुपीज में डिस्केल से आप इस पे टब क्लीनिंग का फंक्शन लगा के कर सकते हैं, वो काफी अच्छा फीचर्स है। सारे फंक्शन कम्प्लीट करने के बाद हमारा ये मैजिक फिल्टर लगा होता है इसके अंदर, इस मैजिक फिल्टर को आपने ऐसे पुश करना है यहाँ से ओपन करके, इसकी लेंस को क्लीन करके और वापिस से आपने इसको बंद करके इसके अंदर लगाना है। तो ये हमारा प्रॉपर डेमोस्ट्रेशन हुआ है टॉप लोड वॉशिंग मशीन 7.0 केजी का, जेट स्प्रे का इसके अंदर फंक्शन दिया हुआ है, जो रिंस के टाइम पे या वॉशिंग के टाइम पे अपने आप आएगा पानी। अच्छा, ये मॉडल हमारे जो पुरानी वाली जो सिंपल मॉडल है इससे कैसे बेहतर है? मतलब फ्यूचर्स वाइज उसके अंदर जो मोटर दी हुई है सर, वो सिंपल मोटर दी है 220 वोल्टेज पे चलती है, इसके अंदर इन्वर्टर डायरेक्ट ड्राइव मोटर दी है जो 12 वोल्ट डीसी पे चलती है। अच्छा ठीक है सर, इसकी पावर कंजप्शन उसके कंपैरिजन बहुत ज्यादा कम है। अच्छा, उसमें 100 वाट का एक बल्ब जितनी पावर लेता था, इसमें जो है जो हमारी CFL है उतनी कंजप्शन आती है पावर। अच्छा ठीक है जी, इजी रिपेयरेबल है, 10 ईयर मोटर वारंटी है, उसमें 2 ईयर मोटर वारंटी थी, उसमें सिंपल ड्रम था, इसमें स्टेनलेस स्टील का जो है टर्बो ड्रम है। ठीक है जी, और इसके अंदर जो हाइड्रोलिक शॉकर का फंक्शन दे दिया उसमें सिंपल था, और इसके अंदर जो आपकी मोटर है वो क्लच मोटर कर दी गई है, मोटर डायरेक्ट कर दी गई है, क्लच को खत्म कर दिया गया। अभी जो पुरानी मशीन में आपके जो फॉल्ट आया है, जो पार्ट उसमें खराब था वो पार्ट इसमें हटा दिया गया, डायरेक्ट बैंड से पल्सेटर को जोड़ दिया गया, तो वो पार्ट्स को खत्म कर दिया गया, जो हमारा 4,500 का खर्चा आता था वो खत्म हो गया, अब सिर्फ इसमें मोटर है डायरेक्ट आपकी, और मोटर की जो लाइफ है वो 10 ईयर्स की इसकी वारंटी दी है कंपनी ने, वो जल्दी खराब भी नहीं होती है, 2 ईयर इसकी कंप्लीट वारंटी है, 10 ईयर मोटर वारंटी है। तो इसमें चला कर देखेंगे थोड़े कपड़े धो। हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल, क्यों नहीं। अगर आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप
कर सकते हैं। तो ये हमारा जो चैनल है सुधीर तनेजा, इसके नीचे यहाँ पर रेड सब्सक्राइब लिखा हुआ है, इसको आपने जस्ट टच करना, तो ये हमारा चैनल सब्सक्राइब हो गया। अगर आप हमारी लेटेस्ट वीडियो का अपडेट चाहते हैं अपने मोबाइल या टेबलेट पर, तो ये बेल वाला आइकन है, इसको आपने टच करना है, तो आप जो है सारे नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर या टेबलेट पर आएंगे।